बेसन वाली भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने लगभग 250 ग्राम भिंडी को लंबाई में काट लिया है, इसका बीज निकाल लिया है। लाल मिर्च पाउडर है, नमक अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, अमचूर पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, जीरा पाउडर है, गरम मसाला है, एक प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, 2 चम्मच के करीब बेसन है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। अब हम इस बाउल में भिंडी निकाल लेंगे। और इसमें हम मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी डालेंगे और इसे आपस में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में। भिंडी बनाने के लिए हम इस कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे अब हम इसमें जीरा डालेंगे प्याज डालेंगे सॉटे करेंगे प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे सॉटे करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसे और सॉटे करेंगे। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। लगभग 3 मिनट तक हम इसे सॉटे करेंगे जब तक कि बेसन में से एक अच्छी खुशबू ना आ जाए। अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे जो हमने मसालों के साथ मिला करके रखा था वो डालेंगे। अब हमें इसमें अलग से मसाले नहीं डालने हैं क्योंकि मसाले हमने पहले ही इसमें डाल दिया था। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे बेसन के साथ। और हम इसे लगभग 5 मिनट के लिए कवर करके कुक होने देंगे। कवर को हटाएंगे और इसे एक बार चलाएंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करना है। और लगभग 5 मिनट के लिए हम इसे फिर से कवर कर देंगे। फिर से कवर को हटाएंगे और इसे हम चलाएंगे और लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे बिना कवर किए हुए कुक करेंगे ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। और उससे पहले हम इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब बस हमें इसे बिना कवर किए हुए कुक करना है। भिंडी बनकर के तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बेसन वाली भिंडी हमारा बनकर के तैयार हो चुका है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।